नमस्कार दोस्तों, इंडियन हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। कान दर्द में रहत के लिए जरूर अजमाइए ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, इसे जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको भी कान दर्द की शिकायत है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना तकलीफदार होता है। कई बार कान के भीतर गंदगी जम जाने से या फिर किसी तरह से संक्रमण की वजह से कान दर्द की शिकायत हो जाता है। इसके साथ सामान्य सर्दी, कान में खोंट या फिर किसी दूसरा वजह से जब कान बंद हो जाता है तो दर्द होने लगता है। कान दर्द की शिकायत किसी वर्ग विशेष की नहीं है, ये छोटे से लेकर बड़े उम्र तक किसी को भी हो सकता है। अगर कान दर्द सामान्य सत्र का है तो आप इन घरेलू उपायों से भी उसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्या है वो उपाय। पहला उपाय, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। अगर आपको कान दर्द है और सहना कर पाना मुश्किल है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आपको तुरंत राहत मिलेगा। ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म कर लें, इसकी 2 से 3 बूंद कान में डाल ले या फिर कॉटन बड के मदद से तेल को कान में लगा ले। ऐसा करने से आपको आसानी से राहत मिल जाएगा। दूसरा तरीका, लहसुन के इस्तेमाल करने से। अगर कान दर्द संक्रमण की वजह से है तो लहसुन का इस्तेमाल आपको राहत देगा। लहसुन का 1 या 2 कली को तिल का तेल में गर्म कर ले। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इनकी 1 या 2 बूंद को कान में डालिए। ऐसा करने से फायदा होगा। तीसरा उपाय है प्याज का इस्तेमाल। प्याज एक ऐसा चीज है जो लगभग सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। इसका एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण का वजह से दर्द में आराम देता है। प्याज के रस को हल्का गर्म कर लीजिए, इस रस के इस्तेमाल से राहत मिल जाएगा। चौथा राहत है पानी की गर्म बॉटल। कान की दर्द में गर्माहट मिलाने पर आराम महसूस होता है। हॉट वाटर बॉटल को कपड़े में लपेट कर कान पर लगाने से फायदा होगा। पांचवा राहत है नीम और तुलसी की पत्तियों से। इन 2 पत्तियों में भी एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। कान दर्द होने पर इन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। कुछ पत्तियों को हाथ से मलकर उनका रस निकाल लें। इसका 1 या 2 बूंद कान में डालने से आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारे ये वीडियो। मानते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।